नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान में। दोस्तों, आने वाले मंगलवार को एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जो तकरीबन 21 वर्षों के बाद में बन रहा है। इस मंगलवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी का भी वशीकरण चुटकी में कर सकते हो। दोस्तों, आने वाला मंगलवार याद रहे, 21 वर्षों के बाद में ऐसा शुभ अवसर आ रहा है वशीकरण के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आप किसी का भी वशीकरण चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे लाइन में चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। याद रखें, आने वाला मंगलवार, अगर ये मंगलवार आप चूक गए तो समझो आपने अपना जीवन गंवा दिया, अपने प्रेमी को गंवा दिया, अपनी प्रेमिका को गंवा दिया। 21 वर्षों के बाद में ऐसा शुभ अवसर आपके लिए बन रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मंगलवार को आप जिसका भी वशीकरण करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली जरूरत, जिसका आपने वशीकरण करना है उसकी फोटो का होना बहुत जरूरी है। जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखना है, तब जाके आपको सारी जानकारी ये समझ में आएगी। याद रखें, आने वाला मंगलवार 21 वर्षों के बाद में ऐसा योग बन रहा है। जिसका भी आपने वशीकरण करना है उसकी फोटो का होना बहुत जरूरी है। साथ में आपके पास में बैठने के लिए एक लाल आसन होना चाहिए, लाल कपड़ा भी हो सकता है, लाल आसन भी हो सकता है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुने, और उन चीजों का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। मंगलवार के दिन जैसे ही आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अब बैठना किस समय है ये बड़ा उत्सुकता वर्ग रहता है कि हमें गुरुजी ने बताया तो है मंगलवार को, पर बैठना कब है इसकी जानकारी आप गुरुजी से फोन करके ले सकते हैं। किस तरह मुंह करना है, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, ये सारी जानकारी आप गुरुजी से ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, लाल आसन लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक सरसों के तेल से आपको जलाना है, प्रेमिका या प्रेमी की फोटो उस दीपक के आगे रखनी है। आप लाल आसन पे बैठोगे उसी समय आप गुरुजी को तुरंत फोन करें और वशीकरण मंत्र आप बिल्कुल निःशुल्क पाएं। दोस्तों, जो भी आपने ये कार्य करना है पूरी शुद्ध भावना के साथ में करना है, अपने सच्चे प्यार के लिए करना है, नजायज काम के लिए गुरुजी इसका मंत्र आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरुजी के पास में वो शक्ति है, वो पावर है, जिससे वो आपके मन की बात तुरंत जान जाएंगे कि आप ये सही कार्य के लिए कर रहे हैं या गलत कार्य के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, वहां पे आपने ये मंत्र का उच्चारण करना है, प्रेमिका की फोटो लेके जो मंत्र गुरुजी आपको देंगे उसका उच्चारण करना है, फोटो को 7 बार फूंक मारनी है। उसके बाद में उस फोटो को रात को अपने सिराने के नीचे आपने रख के सोना है। रात को जो भी सपना आए उसके बारे में जब तक आप गुरुजी को नहीं बताओगे आपका कार्य बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। ये शर्त है, ये नियम है, जब तक आप अपना सपना आए चाहे नहीं आए, तब तक इसकी जानकारी आप गुरुजी को नहीं बताओगे तब तक इस कार्य का सफल होना असंभव है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप अभी फोन उठाएं, गुरुजी को कॉल करें, आपके हाथ से मंगलवार का मौका कहीं चूक ना जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो को पूरा देखें, गुरुजी को कॉल करें और ये मंत्र अवश्य पाएं।